दोस्तों यहाँ सभी को बेसब्री से इंतजार है ऋतिक की अगली फिल्म का। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि यहाँ हाल ही में अनाउंसमेंट हुई थी 1980 में आई फिल्म द बर्निंग ट्रेन के रीमेक की। और इसमें दोस्तों यहाँ आप सोर्सेज के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ द बर्निंग ट्रेन के रीमेक में ऋतिक रोशन को लेने की प्लानिंग की जा रही है। और इसमें जल्द से जल्द ऋतिक रोशन से इस फिल्म को लेकर बात की जाएगी। और यह हो सकता है कि इस फिल्म में ऋतिक हमें दिखे, क्योंकि यहाँ द बर्निंग ट्रेन का रीमेक काफी बड़ी फिल्म होगी और इस फिल्म में हमें काफी बड़े बड़े स्टार दिखेंगे। क्योंकि यहाँ जैसे कि 1980 में ये फिल्म द बर्निंग ट्रेन में हमें काफी सारे बड़े स्टार दिखे थे, और इसमें नई वाली बर्निंग ट्रेन में भी हमें काफी बड़े बड़े स्टार दिखेंगे। और जैसे कि ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है, और इसमें सोर्सेज के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस फिल्म को एक अलग ही लेवल में बनाया जाएगा। और इसमें यदि इस फिल्म में ऋतिक रोशन होते हैं तो ये एक हाई लेवल की फिल्म बन जाएगी। इसमें कई सारे स्टारों के साथ ही ऋतिक को भी इस फिल्म में लेने की प्लानिंग की जा रही है। इसमें दोस्तों जहाँ ऋतिक रोशन एक तरफ अपनी आने वाली फिल्म क्रिश 4 की तैयारी में है, और वहीं ऋतिक अपनी दूसरी फिल्म को भी तलाश रहे हैं ताकि वो क्रिश के साथ ही अपनी एक और फिल्म ला सके। और जैसा कि ये तो हमें देखने को मिल ही रहा है कि यहाँ इन दिनों ऋतिक के पास काफी सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट आ रही है, और ऋतिक काफी स्क्रिप्ट को पढ़ भी रहे हैं। हालांकि यहाँ ऋतिक ने अभी तक किसी भी फिल्म को फाइनल नहीं किया है। इसमें देखने वाली सबसे बड़ी बात कि क्या ऋतिक इस फिल्म के लिए हाँ करते हैं, और यहाँ यदि ऋतिक द बर्निंग ट्रेन के रीमेक के लिए हाँ कर देते हैं तो ये काफी कमाल का होगा, क्योंकि यहाँ इस फिल्म में हमें कई सारे स्टार्स दिखेंगे और इन स्टारों के साथ ऋतिक को भी देखना काफी जबरदस्त होगा। तो यहाँ द बर्निंग ट्रेन के रीमेक के लिए तो हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और दोस्तों क्या आप भी इस फिल्म में ऋतिक को देखना चाहेंगे, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।